है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी सिकरवार और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव सम्राट विजेंद्र सिंह टाइगर के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन एवं उद्योग व्यापार मंडल जसराना पदाधिकारियों के संयुक्त रूप से माननीय राज्यपाल महोदय से संबंधित ज्ञापन डीएम सेल्वा कुमारी जे को दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने किसानों की अति गंभीर समस्याओं, कृषि आयोग का गठन किया जाए, फसलों का उचित समर्थन मूल्य गेहूं 5,000 रुपये इत्यादि फसलों की लागत के हिसाब से तय किया जाए, तहसील जसराना में अधिकारी एवं कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण के कारण जनता परेशान हो चुकी है, इसीलिए उपरोक्त के खिलाफ जाँच कर कार्यवाही करें। आवारा एवं घुमंतु पशुओं के अत्याचार से किसान परेशान है, सरकार को इनसे निजात दिलानी चाहिए सहित कई मांगे रहीं। ज्ञापन देने के दौरान कालीचरण चतुर्वेदी, सुरेश भाटिया, हित गोपाल उपाध्याय, वाम सिंह वर्मा, तहसील अध्यक्ष टूंडला इसाक मोहम्मद आदि शामिल रहे। परमंडल जसराना, जिस तरीके से पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद का संगठन काम कर रहा है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार बुरी तरह से व्याप्त है और लोगों को लूट कर रहा है। बुरी तरीके से किसानों की लूट हो रही है और अधिकारी इतना निडर हो गया है कि पैसे लेने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं, और ये व्यापारियों को अतिक्रमण के नाम पर, GST के नाम पर और लूटा जा रहा है बुरी तरीके से, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों ने 26 तारीख को इसी के संदर्भ में धरना प्रदर्शन किया था जसराने में, और अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे, रेल रोकेंगे और NH2 जाम करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ मिलने आए हैं DM साहबा से। हमारा निवेदन है कि हमारी व्यापारियों की और किसानों की समस्या तत्काल प्रभाव से सुनी जाए और उसका निदान किया जाए, और अगर नहीं किया गया तो फिर आगे भीभत स्थिति होगी जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय जिम्मेदार होंगे। आज DM साहब से मिलना ये हुआ है कि किसानों की समस्या है गंभीर। जसराना तहसील में लंबा भ्रष्टाचार चल रहा है कानीगो को लेके, और लेखपाल और सभी अधिकारी भ्रष्ट इतने हो चुके हैं कि दलाली खुले हम किसानों से लिए जा रही है। पर आज तक हम लोग आज DM से मिलने आए, यदि दलाली अगर बंद नहीं हुई तब आक्रोश करके NH2 जाम करेंगे, और जो मंग है हमारी केंद्र सरकार से, कृषि आयोग का गठन होना चाहिए, समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, समर्थन मूल्य के अंदर गेहूँ की रेट 5,000 रुपया होना चाहिए, धान की रेट भी 5,000 रुपया होने, अन्य जो भी किसान कमाता है यदि 50% लागत आती है तो 50% मुनाफा होना चाहिए।